अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 तक सॉल्व कर लिया था, आज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। इसके मतलब क्वेश्चन भी रिलेट करते हैं इस तरह के हमने मतलब पहले क्वेश्चन किए थे, लेकिन इसके लास्ट में सिर्फ वेन डायग्राम्स हैं। वो जब लास्ट क्वेश्चन में मतलब पहुंचे तब वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो उनसे क्वेश्चन है जिस तरह हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया है, सेम मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। जिस तरह के इसका आप फर्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, मतलब मतलब 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है। ये यहाँ पे हॉट नंबर है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ पे सेट बी है, 1, 4, 7, 10 इसका सीक्वेंस जो है 3 का। तो इसकी यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एक बार यहाँ पे ए माइनस बी के पहले हम सेट ए लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 फिर से माइनस करेंगे बी को, जबकि बी इक्वल है यहाँ पे 1, 4, 7, 10। हम इसको माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा, देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा और 7 कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो आ जाएगा 3, 5 और 9। हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से अब पहले हमें बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक, इसमें से माइनस करेंगे बी को, और बी यहाँ यहाँ पे 1, 4, 7, 10 जब हम इसको माइनस करेंगे तो बाकी 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 3, 4 कैंसिल, फिर 5, 6 फिर 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 एंड 9 ये टर्म्स आ गई हमारी बी कम्प्लीमेंट की। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट पहले हम सेट ए लिखेंगे, क्योंकि इक्वल था 1, 3, 5, 7, 9 के, और इंटरसेक्शन था बी कम्प्लीमेंट के साथ, इक्वल 2, 3, 5, 6, 8 और 9 के। अभी आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन में जो कि हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो कॉमन है यहाँ पे 3, 5 और 9, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा इक्वल आ गया इसके साथ। ये हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें लिखा है बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, इसको भी हमने वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस का फ़र्क है। तो अब देखते हैं हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ओके इक्वल है बी माइनस ए के, तो फिर हम लिखेंगे सेट बी, बी माइनस ए फाइंड करने के लिए सेट बी था हमारा 1, 4, 7 एंड 10। इसको माइनस करेंगे ए के साथ, जबकि ए था 1, 3, 5, 7, 9 तो इसको हमने माइनस करना है, 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा इधर, फिर 3, 5 फिर 7 कैंसिल होगा, बाकी सिर्फ बच जाएगा 10। ये आ गया बी माइनस ए का आंसर। अब आगे से करते हैं इसकी राइट हैंड साइड जो कि है बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो उसके लिए पहले हमें ए कम्प्लीमेंट चाहिए, इसको हम यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं।
तो पर यूनिवर्सल लिखेंगे जो कि इक्वल था 1 से लेकर 10 तक, उसमें से माइनस करना है ए को, और ये हमारा इक्वल था इवन ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, जो बाकी बचेंगे वो सिर्फ इवन नंबर होंगे क्योंकि ऑड नंबर कैंसिल हो जाएंगे यूनिवर्सल में से, तो 2, 4, 6, 8, 10। अब इसका आपने इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो इधर लिखते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बस हट बी लिखेंगे तो एक 1, 4, 7, 10 के, फिर इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट तो वो एक 2, 4, 6, 8 और 10 के। जब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमने इसके बाद देना कि सॉरी इनमें जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इनमें मतलब कॉमन एलिमेंट जो है वो कौन से हैं, तो इधर आपको 4 और 7, 10 लग रहा है तो इधर आप लिखेंगे 4 और 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 और 10 यहाँ पे भी इसका भी आंसर है और इसका भी, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। आगे इसका पार्ट नंबर 3 है, कह रहा है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ऐसे में ये डीमार्कन लाइन, तो इसको भी आप करते हैं प्रूफ, पहले इसके देखें लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी, इसके लिए पहले हम लिखेंगे ए जो कि इक्वल है 1, 3, 5, 7, 9 और इसका यूनियन लेना पड़ेगा आपको बी के साथ, आपके बी इक्वल है 1, 4, 7, 10, उसका हम यूनियन लेंगे तो इसमें हम कंबाइन कर देंगे इन एलिमेंट्स को 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10, इसका हम कंप्लीमेंट लेंगे तो उसमें से ये माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट वो भी इक्वल था 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक, या माइनस कर रहे हैं ये वाला, हम उसको माइनस करेंगे जो बाकी बचेगा वो यहाँ पे जो कि यहाँ तक तरफ ऑड नंबर हैं, तो बाकी जब नंबर बचेगा इवन 2, 4 के 4 ऊपर केस में है 4 भी कैंसिल हो जाएगा 2, 6 और फिर 8 नहीं होगा 9 भी होगा 10 भी, इसे 2, 6, 8 बचेगा इसमें, ये आगे हमारी मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आगे राइट हैंड साइड करेंगे इसकी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करके, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं इधर 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक, माइनस करना है ए, और ए हमारा इक्वल है 1, 3, 5, 7, 9, जब हम इसको माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 2, 4, 6, 8 और 10। अगर फाइंड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करने से आएगा
तो पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 10 तक, इसको माइनस करेंगे हम बी को, और बी हमारा इक्वल था 1, 4, 7 और 10 के, तो माइनस करेंगे तो जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2, 3 फिर 4 कैंसिल, फिर 5, 6 फिर 7 कैंसिल, फिर 8, 9 और फिर 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को लेना है हमने इंटरसेक्शन, जो कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो पहले ए कम्प्लीमेंट का लिखेंगे, वो आया था हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 और इंटरसेक्शन लेंगे बी कम्प्लीमेंट जो के था 2, 3, 5, 6, 8, 9। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे देखें 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी, उसके बाद 6 और फिर 8, तो यहाँ पे देखें 2, 6, 8, ये इसका आंसर है जो कि इक्वल है यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो भी इसमें डीमार करना है, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था या खुद कर सकते हैं। अब आगे हम इसका फिफ्थ पार्ट ट्राई करेंगे, असल में ए माइनस बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे, चलिए तो ए माइनस बी इक्वल होगा, पहले ए रखें आप, इसको लेफ्ट हैंड साइड भी रखें, पहले ए हमारा 1, 3, 5, 7, 9, इसमें से माइनस करना है हमने बी, और बी था 1, 4, 7, 10, इसको माइनस करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 कैंसिल होगा, फिर 3 लिखेंगे, 4 तो जो कि इसमें नहीं है, तो जो मतलब फर्स्ट में उतरे वो लिखते हैं जो फर्स्ट में बाकी बचे, तो यहाँ से 7 इसके 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा और फिर 9, इसलिए 3, 5, 9। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होता है यू माइनस ए के, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे यूनिवर्सल सेट जो कि 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक है, माइनस करेंगे ए को, और ए हमारा इक्वल है 1, 3, 5, 7, 9 में से, मतलब इवन नंबर माइनस ऑड नंबर माइनस होंगे तो बाकी इवन नंबर बचेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और आगे से अब इसका यूनियन है बी के साथ, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, पहले ए कम्प्लीमेंट वो हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसका यूनियन बी के साथ, और बी था हमारे पास 1, 4, 7, 10, जब यूनियन लेंगे तो जो इन सबको हमें जो है कंबाइन करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, वन 2, 4, 6, 7, 10 and 8। यहाँ से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का एक स्टेप अभी रहता है कंप्लीट नहीं हुई है, इसे हमने करना था इसको ए माइनस बी दो का लिया, लेकिन इसका हमने कम्प्लीमेंट नहीं लिया हुआ, तो पहले वो हम फाइंड कर रहे थे ए माइनस बी कम्प्लीमेंट, उसके लिए इसको यूनिवर्सल साइड में से माइनस करते हैं, तो यूनिवर्सल है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक, उसमें से माइनस करना है हमने 3, 5, 9 को, इसको माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा
वन टू थ्री माइनस हो जाएगा फोर, फिर फाइव भी माइनस हो गए सिक्स, फिर सेवन आएगा, फिर एट नाइन माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा टेन। फिर हम देखते हैं कि ये सेट आया इसके इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पे। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट भी कम्प्लीट हो गया, सिक्स पार्ट सेम ऐसे ही है, बस उसमें एक जगह पर बी लिखा और बी की जगह पर ए। अब लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।